सुनीता वन किचन में आप सभी का स्वागत है। मैंने देखे दही बड़ा बना है, कितना शानदार दही बड़ा बनकर के तैयार हुआ, साथ ही बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो मैंने कैसे करके दही बड़ा को बनाया है आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मेरे तरीके से सॉफ्ट स्पंजी दही बड़ा इस होली में बना करके खाएं। तो मैंने कैसे करके बनाया है आप पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। साथ ही मैंने इसमें दो खट्टी मीठी चटपटी चटनी भी बनाई है। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बॉल ले ले, उसमें एक कप के करीब उड़द की दाल ले ले, एक चौथाई कप मूंग की दाल, मैंने बिना छिलका वाला लिया है। छिलका वाला लेंगे तो उसको फिर छुड़ाना पड़ता है, इसलिए बिना छिलका वाला ही ले। साथ ही बॉल में पूरा भर करके पानी डाल दें, यानी कि चार गुना पानी डाल दें क्योंकि फूलता भी है थोड़ा थोड़ा। देखिए दाल ऊपर में तैर रहा है, इसको अच्छे से हम डुबा देंगे। डुबाने के बाद 5 से 6 घंटे तक इसको फूलने के लिए छोड़ दें। साथ ही मैंने इसमें चटपटा से इमली की चटनी बनाई है। एक कटोरा में पहले पानी ले लें, एक कप के करीब पानी है, 25 ग्राम के करीब मैंने इमली लिया है। इमली को अच्छा से इसको तोड़ देंगे, तोड़ करके इसको 2 से 3 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ दें। अगर इंस्टेंट फुलाना है तो हल्का सुसुम पानी में डालें तो वो बहुत ही जल्दी फूल जाता है। करके तैयार हो गया। इसको हल्के हाथों से मैश करते हुए इसका जितना भी रेशा है और इसका बिच्चा है वो पूरा निकाल देंगे। निकाल करके इसको साइड में रख दें। ये देखिए सिर्फ पल्प बचा हुआ, तो गैस पर हम एक फ्राई पैन चढ़ा देंगे। गैस को ऑन कर दें, फ्लेम को लो ही रखें। अभी इसके सारा इसमें पल्प को डाल दें। पल्प डालने के बाद इसमें मैंने 25 ग्राम के करीब इमली का लिया था, तो इसमें 50 ग्राम के करीब आप चीनी डाल दें, 1/4 चम्मच के करीब काला नमक डाल दें, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, तीखा कम ज़्यादा आप अपनी पसंद के अनुसार से कर सकते हैं, 1/4 चम्मच से भी कम हमने कलर के लिए हल्दी डाला है। सभी को डालते हुए मात्र ये चटनी जो है ना 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। इसमें देखिए उबाल आने लगा है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हमने डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। 1 इंची अदरक का लंबा लंबा जूलियन टाइप का हमने काट करके रखा था वो उसमें डाल दें। डालने के बाद टोटल कुकिंग प्रोसेस जो है इसका 5 मिनट का रहता है, 5 मिनट में एकदम अच्छा खासा बन करके तैयार हो जाता है। देखिए कितना गाढ़ा चटनी बन करके तैयार है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा होते जाता है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ये 5 मिनट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद एक बॉल में आप इसको ट्रांसफर कर ले। दही बड़ा में खट्टा मीठा ये चटनी इमली का ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप इसको जरूर बनाएं। देखिए चटनी बन करके एकदम तैयार। देखिए ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो चुका है। इसको अब हम साइड में रख देंगे। इसके बाद मैंने हरा चटनी बनाया है। हरा चटनी बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, धनिया की पत्ती ले ले, टमाटर ले ले, अदरक लहसुन मिर्ची और नींबू चाहिए। 1 मिक्सी के जार में पहले टमाटर डाल दें, उसका धनिया की पत्ती छोटा छोटा काट भी सकते हैं नहीं तो ऐसे ही तोड़ के डाल दें, 2 हरा मिर्च डाल दें, लहसुन ऑप्शनल है आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, 2-3 कली लहसुन का डाल दें, 1 इंची अदरक का टुकड़ा उसको काट करके डाल दें, नमक स्वाद के अनुसार डाल दें, 1/2 नींबू का रस इसमें निचोड़ दें, और नहीं तो चटनी जब पीस लेते हैं तो बाद में भी डाल सकते हैं लेकिन मैं पहले ही इसमें डाल देती हूँ। डालने के बाद इसका फाइन पेस्ट एकदम बना लेंगे। फाइन पेस्ट बनाने के बाद इसको एक बॉल में इसको निकाल लें। हमारा 2 तरह का दही बड़ा के लिए चटनी बन करके एकदम तैयार है। शानदार चटनी बनकर के तैयार है। इधर ये दाल को मैंने 5 से 6 घंटे तक अच्छे से फुला लिया था और उसके जो है ना 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। मैंने देखिए धो दिया है। धोने के बाद इसको हम पीसेंगे। मैंने मीडियम साइज का मिक्सी का जार लिया, 1/2 दाल इसमें डाल करके थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको पीसना है। कितना मैंने पानी डाला है, दाल डाला है, उसको देखे और उसी तरह से पीसे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर आपका परफेक्ट जो है ना दही बड़ा नहीं बन पाएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं
ये दही बड़ा आपको कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मैंने दरदरा सा देखिए इसको पीस लिया है, पूरा फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। इसको एक बॉल में निकाल लेंगे, देखिए कितना गाढ़ा पीसा हुआ है। मिक्सी के जार में जब भी पीसे ना तो थोड़ा रुक रुक के पीसे और आप बीच बीच में जो है ना ढक्कन खोल करके इसको चलाते भी रहे। एक बार मैंने दूसरा भी बैच देखिए पीस करके निकाल लिया है। सभी को मैंने निकालने के बाद इसमें एक चुटकी के करीब बेकिंग सोडा डाल दें। आप अगर इंस्टेंट इसको बना रहे हैं तो बेकिंग सोडा एक चुटकी से ज़्यादा बिल्कुल ना डालें, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ये खराब हो जाता है बनाने में। एक चुटकी मैंने सोडा डाला है। अब 5 मिनट तक इसको, 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से मिला लेना है। बहुत ही एकदम स्पंजी टाइप का ये दही बड़ा बन करके तैयार होता है। उसके बाद गैस पर मैंने एक बर्तन चढ़ा दिया, उसमें 1/2 लीटर के करीब हमने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद 1/4 चम्मच नमक डाल दें। नमक को अच्छे से मिला दें। मिलाने के बाद इसमें पूरा पानी को बॉयल नहीं करना है, ये हल्का जब बबल इसमें आने लगे उसी स्टेज पर हम इसको बंद करके साइड में इसको रख देंगे। उसके बाद अब हम तलने के प्रोसेस में चलते हैं। दही बड़ा को कैसे तलना है, गैस पर एक फ्राई पैन चढ़ा दें, उसमें तेल डाल दें तलने के लिए। फ्राई पैन में तलेंगे ना तो एक बार में 5 से 6 दही बड़ा आसानी से चला जाता है। और कढ़ाई में तलने के बाद होता है कि एक दूसरे से चिपक जाता है, तो मैंने कैसे कैसे रोल जैसा एकदम पूरा देखे बनाया है। तो सबसे पहले कलछी पर थोड़ा सा पानी लगा दें, दही बड़ा का बैटर जो वो उसमें डाल दें, उंगलियों में पानी लगा करके बीच में उसमें होल बना दें। होल बनाने के बाद तेल में इसको कलछी को पलट दें और दही बड़ा जो है ना वो तेल में डूबा हुआ होना चाहिए, हल्का हल्का उसको हिलाते रहे, वो आसानी से निकल जाता है। दूसरा फिर से मैं बनाने के लिए बता दे रही हूँ। छोटा वाला मैंने कलछी लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद जितना बड़ा आपको चाहिए दही बड़ा वो डाल दें। डालने के बाद उंगली में पानी लगा लें, पानी लगा करके बीच में इसको होल बना दें। ये रिंग टाइप का दही बड़ा बन करके एकदम तैयार अच्छे से हो जाता है। इसको अच्छे से पलट दें, तेल में पूरा डूबा होना चाहिए, हल्का से धीरे धीरे हिलाएंगे वो आसानी से निकल जाता है। इसी तरह से जितना भी गोल है सारा का दही बड़ा सुनहरा होने तक एकदम अच्छे से इसको छान लेना है। बीच में कच्चा या मोटा होने का इसमें कोई टेंशन ही नहीं रहता है, देखने में भी बहुत ही शानदार लगता है। एक्चुअल में मान लीजिए तो दही बड़ा का शेप यही होता है, हल्का सुनहरा तला चला गया है। आप इसको एक एक करके आप अच्छे से निकाल लें। निकालने के बाद हमने जो पहले गर्म पानी करके रखा था उसी में इसको डिप करते जाएंगे। हमने इसमें डाल दिया है। डालने के बाद इसको चम्मच की सहायता से पानी में अच्छे से डुबा दें। इसको 2 से 3 मिनट तक छोड़ना है, ज्यादा देर तक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 2 से 3 मिनट के बाद पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको एक एक करके हथेलियों की सहायता से दबाते हुए निकाल लेना है। सारा दही बड़ा देखिए बन करके एकदम तैयार हो गया है। बड़ा वाला कटोरा है उसमें पूरा देखिए भर गया। आप मेरे तरीके से बना अपने भी खाए और जितना भी गेस्ट आपके यहाँ आते हैं बना करके खिलाएंगे तो आपके तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। ये देखिए हरा चटनी, खट्टा मीठा चटनी, जीरा पाउडर, काला नमक, उजला नमक और मिर्च पाउडर हमने ले लिया। अब चलिए हम प्लेट में इसको निकालेंगे। मैंने दही भी देख लिए ले लिया है। दही करीब 1/2 लीटर के करीब है। मैंने इस सेपरेटर में ही इसको जमाया है। सेपरेटर में एक बार आप दही जमा करके देखें, बहुत ही अच्छा जमता है। इसमें प्लेट में 4 से 5 दही बड़ा ले लें, वैसे आपकी पसंद।
मैं दिखाने के लिए इतना सारा इसमें दही बड़ा डाल रही हूँ, वैसे 2 से 3 दही बड़ा लेकर के बनाए, बहुत ही अच्छा बनता है। सारा दही बड़ा इसमें हमने प्लेट में रख दिया, रखने के बाद उसमें दही डाल दें। दही जो है इसमें भरपूर डालें, जब तक दही नहीं डालेंगे तब तक दही बड़ा नाम ही नहीं कहलाएगा। एकदम पूरा देखिए मैंने भर करके एकदम दही इसमें डाल दिया। दही डालने के बाद अब हम इसमें चटनी को डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने लाल वाला खट्टा मीठा चटनी जो बनाया था इमली का, वो इसमें डाल दें। 1 से 2 चम्मच डालेंगे ना, इसी में बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद मैंने हरा वाला चटनी बनाया था, वो चटनी आप इसमें डाल दें। इसमें हम काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने के बाद थोड़ा सा उजला नमक डाल देंगे, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। डालने के बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर उसमें डाल दें। मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है, आप ऐसे वाला जीरा पाउडर नहीं ले लीजिएगा, भुना हुआ जीरा पाउडर डालिए, बहुत ही परफेक्ट टेस्ट इसका है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दें, लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इसके ऊपर से आप अनार का दाना भी डाल सकते हैं। और ये शानदार सी दही बड़ा बनकर के एकदम तैयार है। आपके यहाँ गेस्ट आएंगे उनको जरूर बना करके खिलाएं, सबको आपकी फिर से मैं दोबारा बोल रही हूँ। और साथ ही आप कहाँ से ये देख रहे हैं वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमको पता चल सके कि मेरे व्यूअर कहाँ से वीडियो देखते हैं। और टेस्टी दही बड़ा बनकर के एकदम तैयार है। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत